तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मरीन बर्ड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है सैटरडे और सैटरडे को मैं बनाता हूँ अपने सेटअप की वीडियो आप सभी के लिए। तो इस बार भी मैंने वीडियो बनाई है और लास्ट टाइम की तरह ब्रीडिंग प्रोग्रेस जो है वो शुरू हो गई है और चिक्स आने भी शुरू हो गए हैं, जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में दिखाया था। और इस वीडियो में ऑलमोस्ट सारे ही जो एग्स हैं वो हैच हो चुके हैं और चिक्स सभी आ गए हैं। जीरो इस बार तो जो चिक्स हैं वो सभी ठीक हैं, एक भी चिक्स मेरा मरा नहीं है उनमें से। तो वो मैंने कैसे किया है, उसके लिए मैंने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, वो सब के लिए आप मेरा ये वाला वीडियो जाके एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इसका लिंक जो है मैं आई बटन में भी दे रहा हूँ और इस वीडियो के एंड में भी आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो एक बार जाके ज़रूर देखिएगा और आप भी अपने चिक्स को बचाइएगा। और जिन लोगों ने कमेंट किया है मेरे वीडियोस पे उनके लिए थैंक यू सो मच। जो लोग वीडियो को लाइक करते हैं उनको भी थैंक यू सो मच। और जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले न्यू वीडियोस मैं आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आने पाए और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो जो कमेंट्स आए थे उनमें से एक कमेंट ये आया था कि जो कॉकरेल का पेड़ है वो अपने चिक्स को जो है फीड नहीं करवा रहा है, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है। तो उसका देखिए यार, फर्स्ट रीज़न तो ये है कि या तो आपका पेड़ पूरी तरीके से अडल्ट नहीं है और कुछ टाइम के बाद वो तो अब चिक्स को खिलाना छोड़ ही देगा क्योंकि वो इतना मेच्योर नहीं है। तो और सेकंड रीज़न इसका ये होता है कि यार वो कई बार डर जाते हैं, या तो आप बॉक्स को बार बार खोल रहे हैं, केज को बार बार हाथ लगा रहे हैं, तो वो कई बार डर जाते हैं और अपने चिक्स को जो है डर के मारे खिलाना छोड़ देते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी होता है कि या तो आपका केज कुछ इस ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, लाइक कुछ लोग जो है टेरेस पे भी बना देते हैं, तो रात को बिल्ली भी आती है और जिनके घर में डॉग है वो भी कई बार उससे परेशान करता है, तो वो अपने चिक्स को जो है खिलाना छोड़ देते हैं। तो यही कुछ रीजंस होते हैं, इसके अलावा कोई रीज़न होता नहीं। अगर इन केस ऐसा होता है तो आप लोगों को फिर हैंड फीड कराना पड़ेगा, और तो कोई इसका तरीका नहीं है या कोई ऐसी मेडिसिन आती नहीं है इसकी। तो यही तरीका है इसका, आप करवाइएगा। तो चलिए चलते हैं और आपको अपना ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाते हैं। काफ़ी अच्छी इस बार ब्रीडिंग हुई है, काफ़ी धमाकेदार ब्रीडिंग हुई है। तो चलिए चलते हैं और अपने, तो आ गए हम अपने सेटअप पे। और ये जो नीचे सेकंड केज में आप देख रहे हैं ये सारे अभी नेक्स्ट ईयर के लिए तैयार हो रहे हैं, और ये हमारा लुटिनो का पेड़ है, फीमेल इसकी अभी अंदर ही है। तो इसको अब बाद में दिखाता हूँ आपको। और ये वाले दोनों बाहर हैं, इसमें पर्ल की फीमेल है और फॉन का मेल है। इसने अपने जो चिक एग्स हैं सारे हैच कर लिए हैं। और इस वाले में देखिए आप, ये पेड़ भी मैं आपको दिखा चुका हूँ पहले ही, इसके भी हैचिंग हो चुकी है। इसका भी रिजल्ट दिखाते हैं अभी आपको, लेकिन पहले अब नीचे वाले इस पेयर को मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें ग्रे का मेल है और ये नीचे जो है फॉन की फीमेल है। ये एक्चुअली जल्दी अंदर चला जाएगा, इसलिए इसका बॉक्स सबसे पहले खोल लेते हैं। तो खोलते हैं बॉक्स और ये देखिए इसमें है 3 चिक्स और एक एग और रखा हुआ है। ये एग भी अभी पूरी तरीके से फर्टाइल है, ऑलमोस्ट चिक निकलने वाला है उसमें से भी। थोड़ा सा चिक्स को उधर कर देता हूँ, अब देखिए आप बहुत हेल्दी चिक्स निकले। आप इनके ऊपर के जो ये बाल कह लीजिए इसको या फेदर कह लीजिए, इसको देखिए कितने हेल्दी हैं, ये बहुत अच्छे हैं। और फीड वीड इनको पेरेंट्स ने कराया हुआ है। एक एक रह रहा है वो भी आज ही निकलेगा मेरे हिसाब से, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वाला चिक भी देखने को मिलेगा, है ना। तो बहुत प्यारे चिक्स निकले हैं। अब चलते हैं और अपने जो ये वाला पेड़ है इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें 4 चिक एक्चुअली निकले हुए थे और 2 एग्स अभी भी रखे हुए हैं। इसका जो एक चिक था एल्बाइनो वाला वो थोड़ा मुझे वीक लग रहा था। आई थिंक ये तीनों जो चिक्स हैं ये बड़े थे उससे, तो उसको एक्चुअली ठीक से फीडिंग नहीं हो पा रही थी, तो उसको उठा के मैंने अपने लुटिनो वाले पेड़ के पास शिफ्ट कर दिया है। और 3 तो ऑलरेडी निकले हुए हैं, 2 एग्स और रखे हुए हैं, ये दोनों भी फर्टाइल हैं। दैट मीन्स इसने 6 एग्स दिए थे और 6 के 6 फर्टाइल हैं और 6ों में से चिक्स निकलेंगे। और अब आपको ले चलते हैं अपने इस वाले पेड़ की साइड। ये हमारा बेस्ट पेड़ है,
और इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये अपना फटाफट बाहर आता है, खाता है, पीता है, बच्चों को खिलाता है और फिर बाहर आके घूमने लगता है। तो इसके बॉक्स खोल लेते हैं, इसके तो चिक्स काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। तो ये देखिए, इसके चिक्स ने तो आंखें भी खुलनी शुरू हो गई है इनकी, और पिन फेदर्स भी आ गए हैं इसमें। आई थिंक दो फॉन है और दो इसमें पर्ल के बच्चे निकले हैं। देखिए दूसरा ये आ गया, अपना तीसरा और ये चौथा। देखिए ये चारों चिक्स देखिए बहुत हेल्दी है। तो यार ये चार एग्स दिए थे और चारों ही फर्टाइल थे, चारों में से चिक्स निकले और आप देखिए चारों के चारों बहुत हेल्दी हैं। चारों को वो बहुत अच्छे तरीके से खिला रहे हैं और पाल रहे हैं। और ये वाला जो अपना पेड़ था, इसमें लूटी सॉरी एल्बाइनो का मेल लगा हुआ था और ये पर्ल की फीमेल है। तो इसके एग्स इनफर्टाइल हुए यार, तो इस बार इसके साथ मैंने मेल चेंज करके जो है वाइट फेस का मेल लगा दिया है। और ये वाला जो हमारा बजरी का पेड़ है यार, ये भी काफ़ी डिले कर रहा है, पता नहीं क्यों डिले कर रहा है। एग्स नहीं रखे हैं इसने अभी, हमारे ये हेलीकॉप्टर वाले ने भी एग्स नहीं रखे। और इधर दिखाते हैं आपको, इस वाले पेड़ ने भी चिक्स निकाल लिए हैं हमारे बजरी के। इसके चिक्स भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, इसने दो चिक्स निकाल लिए थे। खोल लेता हूँ बॉक्स को एक बार, फीमेल लेके बैठी हुई है देखिए अभी चिक्स को। तो देखिए दो चिक्स इसके निकल चुके हैं और पांच एग्स इसने और रखे हुए अभी। तो इसकी तो अच्छी फर्टिलिटी अच्छी है और अच्छे इसके चिक्स निकलेंगे मेरे ख्याल से, सारे ही निकलेंगे। और जो ये वाला पेड़ है जिसके अंदर की ये ब्लू मेल है और इसने एक ही चिक निकाला था, बाकी इसके एग खराब हो गए थे। इसका रीज़न मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में दिखाया था। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में 7-8 चिक निकालेगा। इस बार थोड़ा सा इसका मेल बीच में मैंने चेंज कर दिया था, इसलिए इस बार ऐसा हो गया। और चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपने लुटिनो वाले की भी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, कि उसने क्या ब्रीडिंग प्रोग्रेस कर ली है। ये हमारी फीमेल जो है वो बाहर आ गई है और इसके बॉक्स को भी एक बार हम खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कितने इसने चिक्स निकाले हुए हैं। मेल इसका अंदर ही है लेकिन मेल उतना एग्रेसिव नहीं है जितनी हुआ है। तो देखिए तीन चिक्स हैं, इन तीन चिक्स में से दो तो लुटिनो के ही हैं और एक जो मैंने शिफ्ट किया था इसमें वाला ही एल्बाइनो का रेड आई का, ये आप कोने वाला जो सबसे कोने का चिक है वो वही है। ये मैंने इसलिए इनके साथ छोड़ दिया क्योंकि इसके दो ही चिक्स निकले हैं, तो ये अपना तीन इसके पास हो जाएंगे। तो ये शिफ्टिंग भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है उसमें, वो एक दूसरे के बच्चे इजली पाल देते हैं। तो बाकी के जो एग्स रह रहे हैं देखते हैं कब तक उनमें से चिक्स हैच होते हैं। तो ये थी हमारी ब्रीडिंग प्रोग्रेस, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा यार। हैव अ नाइस डे।